इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। बट वी सर्टनली नो हाउ टू डिफेंड आवर टेरिटरी। और आप देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, वी हैव सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन नेपाल, चीमा साहब, वी हैव सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन अफ्रीका, इन अफगानिस्तान, इन श्रीलंका। कोई एक जगह बता दीजिए जहां पे इंडिया ने हनमटोटा पोर्ट टाइप का कोई एक्शन लिया हो कि जी हम आपको पैसा देंगे अगर आप नहीं दे पाए तो 99 साल के लिए अंदर। वी हैव नॉट डन एनीवेयर। हमने अफगानियों से जो हमने पार्लियामेंट बनाई अफगानिस्तान में, हमने सड़कें बनाई, डैम बनाए, लाइब्रेरी बनाई, यूनिवर्सिटी पे काम चल रहा है, 10 चीजें कर, हमने तो कभी ये नहीं बोला कि आप ना हमें कि ये तुम पैसा नहीं दे पाए ना, अब ठीक है ये काबुल का ये हिस्सा हमारा 99 साल के लिए। वी आर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड। हमारा इंटरेस्ट कुछ और है, हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इंडिया के, दोज आर समथिंग टोटली डिफरेंट। बिकॉज दुनिया अपने हिसाब से, अपने प्रिज्म के हिसाब से देखती है ना चीमा साहब, कि हमें ये चाहिए, हम तो इंडिया को भी यही चाहिए होगा। लेकिन वैसे मेरे साहब एक बात है इसी में, आपको और आपकी इन्वेस्टमेंट और चाइनीज इन्वेस्टमेंट में फर्क है। आपकी इन्वेस्टमेंट है कि फॉर द सेक ऑफ गुड, फॉर द सेक ऑफ सॉफ्ट इमेज। उनकी इन्वेस्टमेंट है कि अगर उन्होंने कहीं पे पैसा लगाया है, और देखिए ये तो बैंक भी ऐसे करता है कि अगर आप बैंक से लोन लेते हो, सपोर्ट लेते हो, अगर आप वो पे नहीं कर पाते तो वो बैंक कहता है ये घर मेरा। तो चाइनीज भी ऐसे कहते हैं, अगर किसी के साथ एग्रीमेंट हुआ है और वो नहीं पे कर पाया तो उस चीज को ले लेना, तो दैट इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। वो मुल्क के ही आके वो आर्बिट्रेशन में भी तो नहीं जा सकता किसी ग्लोबल कोर्ट में, जी कि ये हमारा कोई जबरदस्ती थोड़ा ही लिया होगा। यकीनन आपकी और उनकी इन्वेस्टमेंट में आपको फर्क नहीं नजर आता। जी बहुत फर्क है हमारी इन्वेस्टमेंट पर, यही बात मैं कह रहा हूं। लेकिन क्या होता है कि जब गवर्नमेंट्स, आपने देखा एक किस्म की कंट्रीज हैं जिसमें चाइना इन्वेस्ट करता है, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट। चाइना वॉल स्ट्रीट में इन्वेस्ट करे थ्रू कंपनीज, दैट इज अ सेपरेट इन्वेस्टमेंट। इंडिया में कंपनीज का करे, दैट इज सेपरेट। इट विल लेट अस लुक एट एग्जांपल ऑफ श्रीलंका, अ कंट्री दैट इज इकोनॉमिकली नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। श्रीलंका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है, ज्यादातर पैसा उनका टूरिज्म से आता है, फिशिंग से, सी फूड से, ये सब ज्यादातर। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है श्रीलंका का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर से दे विल लुक एट पीपल हु आर मैलेबल एंड डक्टाइल, जो लोग मोड़े, यू नो, टेढ़े करे जा सकते हैं, मे बी ड्यू टू करप्शन, मे बी ड्यू टू इन्फ्लुएंस, कुछ भी, राइट। फिर आप उनको बोलिए डील साइन करिए। इससे क्या होता है, लोकल पॉपुलेशन में बड़ी, जिसको लोकल पॉपुलेशन की बड़ी दिलाजारी होती है, क्योंकि ना किसी ना किसी की तो जमीन है ना, वो आपने जो क्लियर करवाई है किसी ना किसी की जमीन है, तो ठीक है। देखिए ये जो, चाहे ये चीज पाकिस्तान में हो, श्रीलंका में हो, कहीं पर भी हो, ये तो मुल्क का अंदरूनी मामला है, मुल्क का अंदरूनी मामला। मैं सिर्फ आपको मेरा एग्जांपल देने का, चीमा साहब, सिर्फ ये मतलब था एग्जांपल देने का कि इंडियाज इंटेंशंस, आप कोई प्रूफ करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा उसको। इंडिया के इंटेंशंस कभी ये नहीं रहे कि हमने आपके मुल्क में ना 2 पैसे लगाए तो हमें चाची, अगर आप 4 नहीं दे पाए तो हम आपका घर ले लेंगे। हमारे पास अपना घर है, हम अपने घर से खुश हैं, संतुष्ट हैं, हमें आपका घर चाहिए नहीं, पहली चीज, लेट्स बी वेरी क्लियर, हमें चाहिए नहीं वो। हमें श्रीलंका में 1 इंच जमीन नहीं चाहिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने, वी आर मोर इनटू इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस। हाउ कैन वी इन्फ्लुएंस द पीपल, वी आर नॉट इनटू कि ये जमीन ले लो। ठीक है, चाइना का एक अपनी पॉलिसी है, चाइना को अपनी पॉलिसी मुबारक, हमारी एक अपनी पॉलिसी, एंड वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट फ्रॉम डे वन। हमें ये काम करना ही नहीं है, हमें किसी के सामने प्रेडेटरी नहीं दिखना, हमने किसी के सामने ये नहीं देखना कि है। और इंडिया ने कितने हजार साल हो गए, हमने कभी नहीं करा, हम लोग कभी हार नहीं देखा कि हम ये तलवार लेकर, घोड़े लेकर हम, यू नो, किसी का सर कलम कर दें, मार दें उसको कि ये हिंदुस्तान हो गया। आप इंडियन टेंपल्स, आपको हिंदू टेंपल्स दिखाई देंगे थाईलैंड में। आपको पता है जो ओरिजिनल थाईलैंड की कैपिटल थी बैंकॉक के आगे, उसका नाम अयोध्या था। अभी भी अगर आप थाईलैंड के रिकॉर्ड्स में जाके देखें, आप गूगल में चेक करिए, अयोध्या, अयोध्या है जहां पे प्रभु श्री राम पैदा हुए, तो वो अयोध्या है जहां पे ना इंडिया, तो वहां पे भी अयोध्या है। वहां के किंग को अभी भी जो फॉर्मल टाइटल है थाईलैंड के किंग का, ही इज कॉल्ड लॉर्ड रामा, बिकॉज वो कहते हैं कि हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं। थाईलैंड का किंग है, वो कहता है कि हम, उनका नाम है लॉर्ड रामा, आप देखिए उनका ऑफिशियल। सिमिलरली इंडोनेशिया में बाली में आपको हिंदू टेम्पल देखेंगे, पर वहां पे हिंदुओं ने राज नहीं करा कभी, मतलब इन द सेंस कि इंडिया से जो गए और वहां पे
किसी को, तो वो हमारा नेचर ऐसा नहीं है. वी डोंट मीन हार्म टू एनीबॉडी. अफगानिस्तान में भी जो हम कर रहे हैं सब, एंड अफगानिस्तान में वी विल कीप ऑन इन्वेस्टिंग, वी विल सिंपली कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन अफगानिस्तान. हम और उनके यूनिवर्सिटीज बनाएंगे और उनके स्कूल्स बनाएंगे और उनके एयरपोर्ट्स बनाएंगे, डैम बनाएंगे और कंस्ट्रक्शन का काम करता रहेगा. लेकिन कोई अफगानियों से ये नहीं पूछने वाला कि साहब मतलब आपने ये कर दिया तो साहब लाओ इधर, वो नहीं होगा कभी. मेजर साहब ये तो आप करते रहेंगे, लेकिन अभी फिर मुझे सवाल पूछना पड़ेगा आपसे. लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताएं ना, आप जमातुल एहरार और टीटीपी को जो आप सपोर्ट करते हैं और उनको वहां पे क्लब करते हैं, आप अपनी सॉफ्ट साइड बताते हैं, हार्ड साइड मेजर साहब नहीं बताते आप. तो ये जिससे जिससे पाकिस्तानी कंसर्न है, जिससे हमने लोगों ने बात की कि आपके जो एनएसए हैं बड़े काबिल हैं सारी बात है भारत के लिए, लेकिन वो सॉफ्ट साइड के साथ आप थोड़ी हार्ड साइड भी बताए ना जनाब, ऐसे तो ना करें आप. जी जी मैं आपको बताता हूँ चीमा साहब, ये जो बात है ना टीटीपी और जमातुल एहरार की, ये पाकिस्तान काफी टाइम से ना निकाल रहा है कि ये इंडिया ये कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है. और मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं पाकिस्तानी डिप्लोमेट से भी बात हुई है, सबसे बात होती है जो फॉरवर्ड डिप्लोमेट है आपके. अब देखिए साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब की और बाबर इफ्तिकार साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हाल ही में, कुछ दिन पहले. आप पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, राइट. आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, आप जाते हैं, यूर बेसिकली आप गुरु हैं, जिसको गुरु कहते हैं ना, टीचर होता है जो आप सिखाते हैं लोगों को. मुझे तो चीमा साहब उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ समझ नहीं आया. दे सेड कि इंडिया में 30 या 60 पता नहीं क्या नंबर था, मुझे याद नहीं है, इंडिया में इतने टेररिस्ट कैंप्स हैं. आपने अच्छा हुआ ये नहीं बोला कि टेक्सास में 50 हैं, मिनेसोटा में 15 हैं और न्यूयॉर्क स्टेट में साहब 55-60 और हैं वहां पे. अरे लाइक व्हेन वी गेव द लिस्ट ऑफ टेरर कैंप्स इनसाइड पाकिस्तान चीमा साहब, वी गेव प्रॉपर ग्रिड रेफरेंसेस कि सर ये है, ये जो चीज है ये जमातुल दावा का है, ये फ्रंट है लश्कर ए तैयबा का, ये मुरीद के इतना आगे है, ये इसका ग्रेड रेफरेंस है, यहाँ पे लास्ट नोन ये बंदे थे, लास्ट नोन तीन बंदों का नाम हमें पता है, बाकियों का हमें नाम नहीं पता, और ये उसकी लोकेशन थी. ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे करा, जो भी हमने वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं वो हमने, जैसे 26/11 की दी हमने एक वॉइस रिकॉर्डिंग दी, और एक वॉइस रिकॉर्डिंग हमने वो भी दी जिसमें परवेज मुशर्रफ साहब की आवाज भी थी, और आपके जनरल अजीज थे कोई, आई एम फॉरगेटिंग वो जनरल साहब कौन थे आपके, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब की भी हमने वॉइस रिकॉर्डिंग दी थी कारगिल के टाइम की, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या समथिंग लाइक दैट, और पाकिस्तानी हैंडलर्स की भी. सो मैं कह रहा था, जब आप, अगर आपको लगता है कि इंडिया मुलव्वज़ है तो यूनाइटेड नेशंस में प्रॉपर जाके, मैं तो बार बार कह चुका हूं, मैं सबको कह रहा हूं कि मैं, अगर भगवान ना करे इंडिया टेररिज्म फैला भी रहा हो, राइट, दो चीजें हैं, मैंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि अगर बलोच रिपब्लिकन आर्मी जाके अगर उनके हाथ से बच्चे कत्ल हो जाता है, राइट, या किसी इनोसेंट बंदे का, नॉन कॉम्बैटेंट का, किसी खवातीन का, किसी बुजुर्ग का, किसी बंदे का भी जो कि इनोसेंट है, देन आई विल टेक अ स्टेप बैक. ये नहीं होना चाहिए. बाकी आपको पाकिस्तानी फौज से जो लड़ रहे हो, लड़ रहे यार, गुड, गॉड ब्लेस यू, वी आर हैप्पी, बट तो इसलिए चीमा साहब एक और चीज है ना, बताइए ना, प्लीज प्लीज टेल मी. जी नहीं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एज ए लुक यू आर एन इंडियन सिटीजन, आप जारी भारत सर्व कर रहे हैं, आप एनालिस्ट हैं, आपका एक इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के अंदर मेजर साहब बहुत ज्यादा, आप एक ओपिनियन मेकर हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर जब आप किसी ग्रुप को ये कहें कि आप जाके दूसरे उसी मुल्क में आप किसी की फौज पे या लॉ एनफोर्समेंट पे टारगेट करें, तो डू यू थिंक कि आप इंडिया में किसी को कहेंगे कि भाई आप फौज पे टारगेट करो, लेकिन आप दूसरे मुल्क में, इजंट इट लाइक इनसाइटिंग फॉर वायलेंस, लोगों को उकसाना वायलेंस के लिए मेजर साहब? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं उनसे कि मैं इंसाइट नहीं कर रहा वायलेंस के लिए चीमा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आप ना खवातीन बच्चों को बुजुर्गों को हाथ ना लगाएं, आपकी जो भी शिकायतें हैं यू सॉर्ट इट आउट विद पाकिस्तान आर्मी. मैं तो कुछ और कह रहा हूं, आप, हम दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं चीमा साहब. मैं किसी को ये नहीं कह रहा, मैं या तो कहता कि सब पाकिस्तानी बुरे हैं सबको मार डालू, मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा. मैं तो कह रहा हूं कि जो बच्चे हैं, जो खवातीन हैं, आपकी जो लड़ाई है पाकिस्तानी फौज के साथ है, आप वहां तक महदूद रखें अपनी लड़ाई. आप प्लीज बच्चों को टारगेट ना करें, आप प्लीज जो खवातीन है उनको टारगेट ना करें, जो पाकिस्तानी नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं आप उनको टारगेट ना करें, मैं ये कह रहा हूं. तो आप और मैं कह रहे हो चीमा साहब दो अलग अलग चीजें.
चले चले अच्छा मैं सब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आते हैं, इस पॉइंट से हम आगे निकल जाते हैं। मैं सब हाउ डू यू सी इंडिया इन 2021, मतलब 2020 में तो हमने देखा, आपने चाइना का जिक्र किया, आपने कहा जी मिलिटरली आपके लिए अच्छा रहा क्योंकि चाइना में हो गए, क्वाड हो गया, फिर कोविड से डील किया, बट इंडिया एज ए स्टेट आप कैसे देखेंगे कि इंडिया 2021 में कैसा होना चाहिए? डू यू थिंक मोदी साहब मुल्क को राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? देखिए साहब, मुझे तो लगता है बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में मुल्क जा रहा है एंड और भी अच्छे डायरेक्शन में जाएगा 2021 में। देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जो पाकिस्तानी ऑडियंस जो सुन रही है, आप इस चीज को आप आई होप आपके यूट्यूब पे भी इंटरव्यू जाए चीमा साहब, क्योंकि पाकिस्तान में फेसबुक ज्यादा प्रेफर करते हैं, यूट्यूब लिंक और फेसबुक ज्यादा प्रेफर करते हैं पाकिस्तान में। तो चीमा साहब मैं देखिए ना, दो चीजें हैं, व्हेन मोदी डज समथिंग आपको ये एक माइंडसेट समझना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जो भी बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है, दे हैव 303 सीट्स इन पार्लियामेंट, राइट? वो वही कर रहे हैं जिनके लिए लोगों ने उनको वोट दिया था। मोदी अपने मन से कुछ नहीं कर रहा है। अगर आप ये बोलें कि साहब मोदी जी अपने मन से, ही इज डूइंग दिस, ही इज डूइंग दैट, ही इज डूइंग नथिंग। दोस्तों ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म, अब टाइम आता है इस वीडियो पर रिएक्शन देने का। तो दोस्तों पाकिस्तान के आप जानते होंगे कमर चीमा रिपब्लिक टीवी पर और इंडियन मीडिया पर काफ़ी आते हैं। पाकिस्तान के ये कमर चीमा पहले आपको पता है ये फेमस कैसे हुए थे इंडियन मीडिया पर, ये जासूस को जसूस बोलते थे, ऐसा कुछ पंजाबी एक्सेंट में बोलते थे, जिसके बाद इन्हें मेजर गौरव आर्या द्वारा किया गया था ट्रॉल। और ये काफ़ी इंडियन मीडिया में आते हैं, आपको पता होगा इंडियन मीडिया में, रिपब्लिक में, आज तक में और डिफरेंट टाइप के मीडिया में आते रहते हैं। तो ये साल ख़त्म हुआ है 2020, अब ख़त्म होने ही वाला है लगभग, और इसके बारे में बात हो रही है कि पाकिस्तान में जो आने वाले समय में क्या कंडीशन होगी, इंडिया में आने वाले समय में क्या मतलब फ्यूचर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्पेशली डिस्कस किया गया है सीपैक, चाइना की इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कंट्री में। आपको पता होगा चाइना के पास पैसा तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है अभी, और चाइना इन्वेस्ट कर रहा है काफ़ी कंट्रियों में, और चाइना मेजर गौरव आर्या के अकॉर्डिंग चाइना उन्हीं कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है जो वीक है इकोनॉमिकली, और जिनका कोई मतलब इनका इन्वेस्टमेंट जो होगा चाइना का वो मतलब वापस नहीं दे पाएंगी। ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं, आपने देखा होगा चाइना अभी स्पेशली पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उससे डबल या तिबल या कई गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ईरान में अनाउंस हो चुकी है, और चाइना ने की थी इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में, जो श्रीलंका उसकी किस्तें ही चुका नहीं पाया, और अभी से श्रीलंका का जो हम्बन टोटा का पोर्ट है, बंदरगाह है, वो चाइना को 99 ईयर के लिए लीज पर जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं ये छोटी मोटी बातें नहीं हैं। तो मेजर गौरव आर्या ने ये इनडायरेक्टली पाकिस्तान को भी बता दिया है कि आपके अंदर जो सीपैक बन रहा है उसके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है, और आपकी कुछ ऐसे ही समय मतलब आने पर ऐसी ही कुछ हालत होगी, क्योंकि पाकिस्तान चाइना से जो सीपैक ले रहा है वो इनडायरेक्टली है तो इंटरेस्ट, और उसके बाद पाकिस्तान की कहानी क्या होगी अब आप समझ सकते हैं। तो मेजर गौरव आर्या ने बड़े प्यार से एक्सप्लेन किया और ये ज़बरदस्त तरीके से बताया है कि चाइना पाकिस्तान में एक धीरे धीरे पैर पसारेगा, और पाकिस्तान से आखिरी में बोलेगा पैसे लाओ, और पाकिस्तान बोलेगा भैया कैसे दें हम पैसे, ये तो हमारी कॉमन इन्वेस्टमेंट है, हम इससे ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी ये सब। और आपको पता है कि यहाँ पर आपने क्लियरली सुन लिया कि जैसे कि ये बता रहे हैं अपने कमर चीमा, इसके लिए तो हम इंटरनेशनल कोर्ट पर भी नहीं जा सकते, जो चाइना इनडायरेक्टली पाकिस्तान में घुस जाएगा। तो दोस्तों वीडियो करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।